नमस्कार, न्यूज टाइम के पब्लिक पॉइंट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र निषाद। आज का हमारा मुद्दा है विवेक तिवारी हत्याकांड पे केजरीवाल का बेतुका बयान। जी हां, आज इसी बेतुके बयान पे हम आम पब्लिक की राय लेंगे कि क्या ये बयानबाजी जो की है ट्विटर पे केजरीवाल जी ने, क्या ये सही है गलत है। क्या नाम है आपका? चेतन सिंह। चेतन जी, ये बताइए, केजरीवाल ने अभी ट्विटर पे जो है ट्वीट किया है कि जो बीजेपी विवेक तिवारी जो हैं वो हिंदू थे, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट ने उसकी हत्या करा दी, क्या ये सही है? अरे केजरीवाल बिल्कुल मूर्ख इंसान है, उसको ये नहीं पता इंसान इंसान होता है। हत्या करने से पहले पूछा थोड़ी ना हिंदू बैठा है कार में, मुसलमान बैठा है, तो गोली मार दी। अरे केजरीवाल जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, अपने केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और कुछ नहीं। और किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का मतलब ये है कि वो किसी को भी कह सकता है, क्या बीजेपी, क्या समाजवादी, क्या कांग्रेस, सबको बोल सकता है। वो अपने आप को चर्चा में बनाए रखना चाहता है। अभी जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के इन्होंने वो बयानबाजी की है, ये क्या सही है? ये गलत है, सरासर गलत है, सरासर गलत, सरासर गलत है। जी, ये बात करते हैं। मुझको तो केजरीवाल की शिक्षा पे ही बहुत बड़ा सवाल समझ में आता है कि वो बताते हैं कि मैं बहुत इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मुझको ये लगता है कि वो बिल्कुल अनलिटरेट व्यक्ति है, पढ़ा लिखा अनपढ़, क्योंकि जो है आपको ये आप विवेक तिवारी मारा गया, एक इंसान है वो मारा गया है, उसकी उसके पर संवेदनाएं जो व्यक्त करने के अलावा उसको ये बताने की क्या जरूरत है कि वो हिंदू मारा गया है, एक ब्राह्मण मारा गया है, एक व्यक्ति मारा गया है जिसके साथ बहुत ही गलत हुआ, जिसने भी किया बहुत गलत किया, वो ये चीज़ दिखाने के लिए कोशिश करता है कि ये हिंदू मारा गया, ये मुस्लिम मारा गया, ये ब्राह्मण मारा गया, तो ये आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे हैं वो, और उनके पास किसी प्रकार कोई योग्यता नहीं है, वो उनको पहले ये सब समझने की ज़रूरत है, बाद में राजनीति करने की ज़रूरत है। ऐसा बयान नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि पुलिस उस दिन रात में नहीं जान रही थी कि विवेक तिवारी हैं कि विवेक इस्लाम है कि विवेक कहने का मतलब है जादव हैं कि ओबीसी हैं, ये बात ना है, ठीक ना। ये केजरीवाल का बयान गलत है, फिर भी जो सरकार कर रही है वो नीति जो है बहुत गलत है, यहाँ पर ठोक देने वाली नीति है जो बहुत गलत है, चाहे किसी के साथ भी व्यवहार किया जा रहा हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे मुस्लिम समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, कोई भी समाज से हो, साथ में नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी के नेता जो है हिंदू लड़कियों का रेप किया करे फिरते हैं। तो अभी आप लोगों से कोई थोड़ी छिपा हुआ है, अब तो हम नाम नाम बता सकते हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों में निकला था कि एक बीजेपी के विधायक के लड़की के साथ में उसका रेप किए थे। जितेंद्र निषाद, न्यूज़ टाइम, लखनऊ।